17,000 के ऊपर कोशिश कर रहा है, शायद देखते हैं टिक पाता है कि नहीं टिक पाता, लेकिन 17,005 इस तरह से कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स में करीब 300 पॉइंट की वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी ये आउट परफॉर्मर है, यहाँ पे तकरीबन 1% ऊपर गया, और आपने देखा होगा तमाम आईटी स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी बनी, उसका फायदा इंफोसिस ने आज लीड किया, मार्केट कैप उसका 8,00,000 करोड़ से ऊपर गया, लेकिन वहां पे एक मजबूती बनी हुई, जबकि मिड कैप में देखिए, सेंसेक्स में देखिए या निफ्टी में देखिए वीकनेस बनी हुई है। ये जरूर देखना चाहिए एडवांस डिक्लाइन, आज भी गिरने वाले शेयरों की संख्या लगभग दूनी कह सकते हैं, 1:1.7 के आसपास है, गिरने वाले शेयरों की संख्या 1700 से ऊपर यहाँ पे निकलती जाती है। तो निफ्टी कोशिश में अभी भी लगा हुआ है कि शायद हो 50 बना ले, 0.5 पॉइंट कर ले, लेकिन निफ्टी बैंक में करीब 325 पॉइंट की गिरावट, तो क्लब आप करिए तो सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में सॉलिड वीकनेस आपको देखने को मिल रही है, सस्टेन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, केवल एक आईटी पॉकेट है जो कि आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक्स में नजर डालते हैं आज कौन से थे जिन्होंने मार्केट को गिराने में या चढ़ाने में मदद की। ऊपर की स्क्रीन में आपको कुछ दो लाइंस हरी दिख रही हैं, और मेसरली आप देखिए HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो, इंफोसिस, वो सारा आईटी पैक ही है जो मार्केट को संभाल रहा था। कुछ एक डिफेंसिव जैसे ITC, नेस्ले, इन सब में हल्की सी, बहुत ही हल्की सी ग्रीन लाइन यहाँ पे आती हुई देखने को मिली। एशियन पेंट और JSW स्टील जैसे स्टॉक में भी थोड़ी थोड़ी हल्की सी हरी लाइन देखने को मिली, लेकिन मैसिव स्क्रीन आपको हरी के बजाय लाल में देखने को मिलेगी। आप देखिए यहाँ पे तमाम स्टॉक्स जो है वीकनेस के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, चाहे वो कोल इंडिया हो, BPCL और डॉक्टर रेड्डीज, यानी मिक्स है यहाँ पे। ओमाइक्रॉन के डर के बावजूद फार्मा स्टॉक्स में उतना अच्छा आउटपरफॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अभी भी लगातार वीकनेस बनी हुई है, और आज मेटल में भी अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली है। शायद यही वजह थी कि ज्यादातर स्टॉक्स यहाँ पे रेड में ट्रेड करते हुए आपको दिखे। बैंकिंग और फाइनेंशियल खासतौर पे कमजोर हुआ, HDFC बैंक को देखिए आप, वो भी कमजोर, और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि पिछले एक साल से इसका परफॉर्मेंस ही नहीं सुधरा है, तकरीबन 0.5% की रेंज में ये स्टॉक लगातार घूमता रहा है। तो इस वजह से आप देखेंगे निफ्टी में वीकनेस का ट्रेड देखने को मिला, करीब 74 पॉइंट कमजोरी के साथ 17,000 के नीचे 16,997 पे पहुंच गया है। तो यानी जो लग रहा था कि 17,000 शायद सस्टेन कर ले, वो सस्टेन करने की गुंजाइश यहाँ पे कम दिख रही है। एडजस्टेड फिगर हालांकि हम लोग देखेंगे तो ये एक तस्वीर मोटे तौर पे बनते हुए देखने को मिल रही। तो मार्केट की वीकनेस है यहाँ पे। इस हफ्ते कौन कौन से चढ़े कौन से गिरे, में सिर्फ वही टेक्नोलॉजी वाले हैं। HCL टेक्नोलॉजी देखिए आप, करीब 91 रुपये या 7.5-8% की मजबूती। टेक महिंद्रा में 5% की मजबूती, 1723 का प्राइस इसने देखा। और सिप्ला आउटस्टैंड किया, इसमें कुछ खबरें भी आई थी उसकी वजह से स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया, करीब 6% के आसपास की मजबूती इसमें देखने को मिली। और UPL आउट ऑफ द बॉक्स 4% मजबूती के साथ 750 में ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस हफ्ते के लूजर कौन थे, NTPC 3.5-3.5% कमजोरी के साथ बंद हो रहा है। भारत पेट्रोलियम बहुत न्यूज ड्रिवन काउंटर है, कच्चे तेल वोलेटिलिटी है, कोई खास खबर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 3.5% नीचे आया। ग्रासिम चलिए मार्केट बंद, और 16,998 2 पॉइंट इस वक्त नीचे है। एडजस्टेड फिगर देखें कहां पे आता है, तो 17,000 शायद बचाने में सफल हो जाए, अदरवाइज ये नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। और सेंसेक्स इस समय 200 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी आईटी 1% के आसपास मजबूत, 350 पॉइंट की तेजी इसमें देखने को मिली। और बैंक निफ्टी 315 पॉइंट कमजोरी के साथ 34,876 से आगे नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट की तस्वीर एक कह सकते हैं कि स्थिति में है, शुरुआत वीक हुई, दोपहर में फिर रिकवरी आई, और आखिरी घंटे में फिर से सेलिंग प्रेशर आया और गिरावट दिखी। भी केवल आईटी स्टॉक बचे, क्योंकि शायद अब रिजल्ट्स ये शुरू होने वाला 12 जनवरी से, तो आईटी इस वजह से थोड़ी सी बचती हुई दिख रही। तो ये तस्वीर इस वक्त की ब्रॉडर मार्केट के। लेकिन चलते वीरू के पास, वीरू क्विकली बताइए FNO में डेटा क्या कह रहा है। जी अगर आप FNO का डेटा देखें तो इसमें क्लियरली अगर आप देखें बाजार दो भागों में बटा हुआ था, और एक था आईटी की स्ट्रेंथ, बैंक्स की वीकनेस, NBFCs की वीकनेस, और रिलायंस की अगर आप देखें स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं स्पेशली अदानी इंटरप्राइज उसकी स्ट्रेंथ है। मैं रोवर पेश करना चाहूंगा आपको, अगर आप देखें सेक्टर के आधार पर, अगर आप सेक्टर के आधार पर देखें तो सबसे स्ट्रांग रोल ओवर इस वक्त अगर किसी स्पेस में खड़ा है आज की तारीख में, तो वो है 26% टेलीकॉम में। यहाँ पर अगर आप देखें सबसे स्ट्रांग रोल ओवर